नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, अगर आपका दीवार घड़ी चल रहा होता है मगर 10-12 घंटे के अंतराल में आपका घड़ी रियल टाइम से 10-20 मिनट या इससे ज़्यादा का पीछे हो जाता है, वो भी अपने आप, और यही सिलसिला बार बार होता रहता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हर तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको सबसे पहले इसका जो बैटरी लगा होता है दीवार घड़ी का, उसे अच्छे से चेक कर ले, और अगर यह ख़राब हो तो इसे बदल ले। हो सकता है कि इसका जो पावर होता है वह लो हो जाता है, जिसके कारण से आपका घड़ी रुक जाता है, तो आप उस कंडीशन में उस बैटरी को बदल ले। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने घड़ी को कोई भी एक टाइम में सेट करें सबसे पहले। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 9 बजे के हिसाब से हमने यहाँ पर इसका जो सुई है उसे रख दिया है। उसके बाद दोस्तों, हम एक राउंड आगे या पीछे हम इस कांटे को घुमाएंगे, जो बड़ा वाला कांटा है उसे, यानी कि दोस्तों हम इसे इस घड़ी को 1 घंटे आगे करेंगे या पीछे करेंगे। तो दोस्तों, हम 1 घंटे आगे करके देखते हैं कि हमारा जो दीवार घड़ी का सुई है वह कितना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने 1 घंटे का घड़ी को आगे किया, तो इसका जो छोटा वाला कांटा आप देख सकते हैं दोस्तों, जो घंटे वाला सुई है वह थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। इस वाली कांटे को दोस्तों, जो 10 है उसके एकदम सेंटर में होना चाहिए था, मगर यह हल्की सी पीछे है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने दीवार घड़ी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बारी आती है इसे ठीक करने का। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो मशीन है उसे बाहर निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद बाहर निकाल लेने के बाद दोस्तों, इसका जो ऊपर कवर है उसे खोलना है। तो खोलते समय दोस्तों, आपको बड़ी सावधानी से खोलना होगा, क्योंकि इसका जो कवर होता है वह टूट सकता है। तो दोस्तों, आपको पहले इस तरह से एक साइड को खोल लेना है, ऊपर उठा लेना है। उसके बाद दूसरे तरफ को भी आपको ऊपर उठा लेना है। उसके बाद फिर दोस्तों, आपको वापस से इस तरफ से उठाना होगा। उसके बाद दोस्तों, इसका कवर है उसे निकालना है, तो आसानी से यह निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो गियर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, इन सभी गियर को बाहर निकाल लेना है अपने दीवार घड़ी के जो मशीन होता है उससे, बारी बारी से सभी इसका जो गियर है उसे। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों, हम इस गियर को साफ करेंगे। दोस्तों, इसका जो टाइम पीछे हो जाता है उसका कारण यही है कि इसका जो गियर होता है वह फंस जाता है, या फिर उसका जो गियर है तो वहाँ पर कचरा आ जाता है, धूल कंकड़ आ जाता है, या अच्छे से घूम नहीं पाता है, इस कारण से आपका घड़ी चलते चलते पीछे हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला जो गियर आप देख रहे हैं वह घंटे वाला सुई का है, जो कि हमारा घड़ी का सुई है वह पीछे हो जाता है चलते चलते। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नीचे में लगा हुआ होता है, तो यह बॉडी के संपर्क में होता है, जिस कारण से कभी कभी हमारा जो गियर होता है वह चिपक जाता है और अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, रुक जाता है चिपक जाने के कारण, तो हमारा घड़ी का कोई सुई पीछे हो जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको इस गियर को अच्छे से साफ कर लेना है इस तरह के जो टूथब्रश आता है उससे। तो दोस्तों, जो गियर होता है उसमें कट कट का जो निशान होता है, उसमें कोई भी कंकड़ आ जाता है या मैल बैठ जाता है, तो आपका जो गियर होता है वह अच्छे से घूम नहीं पाता है, रुक रुक के घूमता है, इस कारण से दोस्तों इसका जो सुई होता है वह रियल टाइम से पीछे हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए इसके जो सभी गियर हैं आपको इस तरह से जो कट कट होता है उसको आपको इस तरह से टूथब्रश के सहायता से अच्छे से साफ कर लेना है इसके सभी पार्ट को। उसके बाद दोस्तों, इसको वापस से लगाना है। तो दोस्तों, हमने इसका जो सभी पार्ट था, सभी गियर था, उसे अच्छे से टूथब्रश की सहायता से साफ कर लिया है। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह से इसका रिपेयर कर लेना है। तो दोस्तों, हमने इसका सभी गियर को अच्छे से साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का मैल नहीं है, कोई भी कंकड़ नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान देना है, इसका जो गियर होता है उसके ऊपर जो नुकीले निकला होता है, जो कि हमारा दीवार गाड़ी का मशीन होता है उसके बॉडी में जो होल होता है वहाँ जाकर यह फंसता है। तो दोस्तों, कभी कभी लगाते समय इसका जो नुकीला भाग होता है वह अपने रियल जगह पर नहीं लग पाता है, जिस कारण से हमारा जो गियर होता है वह ठीक से घूम नहीं पाता, जिस कारण से भी हमारा घड़ी का जो सुई होते हैं वह रुक रुक कर चलता है या फिर पीछे जाता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से इसका जो सभी गियर है
उसे वापस से लगा लेना है। लगा लेने के बाद दोस्तों इसका जो मशीन है उसे भी इस तरह से लगा लेना है। तो दोस्तों हमने इसका जो सभी गियर है उसे इस तरह से लगा लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेट वाला जो गियर है वह घूम रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो मैग्नेट वाला गियर है वह घूम रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो घड़ी है वर्क कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका जो कवर है उसे वापस से लगा लेना है। तो लगाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसका जो गियर के ऊपर जो निकुले भाग है वह इसके कवर में आप देख रहे हैं उसके फिक्स जगह में बैठ। अभी हमारा जो गियर हुआ है वह अच्छे से वर्क करेगा। अगर ज़रा भी इधर उधर हुआ था दोस्तों लगाते समय तो हमारा गियर फंस जाता है। और जो गियर फंस जाए दोस्तों उसमें जो कनेक्टेड होता है जो सुई होता है वह घूम नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों हम आपको चेक करके और दिखाते हैं इसका सेकंड कांटे को लगाकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा घड़ी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रिपेयर कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसका जो मशीन उसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसका रिपेयर कर लेना है अपने दीवार घड़ी का। तो दोस्तों आशा कर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हिंद वंदे मातरम।